ने शाहिद माल्या जी के साथ गाया है। एक्चुअली ये सॉन्ग बनी थी फिल्म यही सच है के लिए, जो किसी रीज़न से आगे नहीं बढ़ पाई, और हमारे म्यूज़िक कंपोज़र ने सोचा कि और हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि इतना ब्यूटीफुल जो सॉन्ग है इसको हम बाहर लाएं, तो इसकी हमने शूटिंग करी, यू नो। सो आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट कि मूवी के लिए होकर भी ये सॉन्ग हमारा बाहर आ रहा है, सो इट्स रियली नाइस। एंड हमारे जो स्टार कास्ट है, समीर ओनकर जी, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने इसमें बहुत ही सुंदर काम किया है वैभवी जोशी के साथ, जो भी कुछ आंध्रा फिल्म्स में काम कर रहे हैं। सो आई रियली थैंक ऑल ऑफ देम, एंड ऑल थैंक्स आल्सो गोज टू आवर डायरेक्टर सुनील अग्रवाल जी एंड हिज एंटायर टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा सा थैंक यू रीना जी को एंड सुनील जी को, जिन्हें मुझ में नज़र आया इनका कैरेक्टर जो इन्हें गाने में सूटेबल लगा, तो थैंक्स उसके लिए। और उसके बाद काफ़ी मेहनत की इन्होंने हमें अच्छा दिखाने के लिए, और गाने को बहुत ही ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, और बाकी आवाज़ का जादू आप देख ही चुके हैं, बाकी और दो गानों में भी रीना जी की। हाँ नहीं, मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही मेरे लिए बहुत लकी साबित है गाना, क्योंकि ये गाना करने के बाद ही मुझे रिश्ता मिला था, तो मेरे लिए बहुत लकी है, और बहुत अच्छा लगा था गाना शूट करते टाइम। एंड आई होप कि बहुत ही सेंसुअस एंड बहुत ही प्यारा गाना है, बाकी आप लोग डिसाइड करेंगे कैसा लगेगा आपको। आपकी एक चीज़ और चर्चे में, आपकी गाड़ी क्या कहना चाहेंगे? अरे अच्छा, आप खबर आ गई, बस अभी मैंने दो दिन पहले ही लिया गाड़ी, तो थैंक यू सो मच। हाँ नज़र है, तो आप भी एक BMW जल्दी से लें। ड्रीम था मेरा एक प्रीमियम कार लेना, बट BMW ले ली मैंने, क्योंकि मुझे अभी सेलेक्टिवली मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये अच्छी है इस टाइम, तो मैंने वो ले लिया। सभी फैंस को पहले तो बहुत 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 थैंक यू, एंड जितना प्यार आप लोग दे रहे हैं बस देते रहिए, और मुझे और ऐसी कई चीज़ों में देखते रहिए, बस यही बोलूँगा, सारी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिए, और रीना जी को भी और 10-12 हज़ार गाने गाएं रीना जी, ऐसी मेरी तरफ से उनके लिए विशेज़ है। थैंक यू सो मच।